हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फोरम। आज के इस वीडियो में हम लोग नाउन के एक टॉपिक कॉमन नाउन के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे इससे मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रॉपर नाउन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट्स या उस पर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं वो सब चीज़ डिस्कस किया था। आज हम लोग कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे, इस पर क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। सो टाइम वेस्ट करने से अच्छा सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज का टॉपिक है कॉमन नाउन। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से अराइज हो गया कि व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब होता है कि एक ऐसा वर्ड होगा जो एक से अधिक चीज़ों के लिए, पर्सन के लिए, थिंग्स के लिए यूज करेंगे। अब जैसे आपने बोला मैन, तो मैन क्या है? एक कॉमन नाउन है। मैन में आपके बहुत सारे पर्सन हैं जो क्या है, जैसे यहाँ आप देख रहे होंगे राम, मोहन, ये क्या है? राम एक पर्टिकुलर नेम है, इसका मतलब राम और मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, लेकिन मैन क्या है? कॉमन नाउन। सेम वुमन, वुमन क्या है? एक कॉमन नाउन है। जबकि गीता, सीता, रिया, प्रिया, वॉट एवर, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट वर्ड है रिवर। रिवर के अंतर्गत, रिवर एक ऐसा वर्ड है जो एक से अधिक, यानी बहुत सारी नदियां होंगी, बहुत सारी रिवर्स होंगी, वो सब एक रिवर के क्राइटेरिया में आएंगी। तो गंगा, यमुना, ये एक डेफिनेट नाम है रिवर के, तो ये प्रॉपर नाउन है। सेम ऐसे सिटी, सिटी एक कॉमन नाउन है, लेकिन कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई, ये सब हमारे क्या होंगे? प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पे ये चीज़ कौन क्लियर हो गई कि कॉमन नाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका यूज आप एक से अधिक के लिए करते हैं। अब बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे मदर हो गया, फादर हो गया। और ये कॉन्सेप्ट ऐसा है कि इस पर कई बार SSC में तो कई बार क्वेश्चन इस पर पूछे गए हैं। यहां पे रूल ये है कि कॉमन नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, लेकिन इसमें एक कंडीशन बनती है कि अगर उस कॉमन नाउन को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करें तो उसके पहले हम द आर्टिकल का यूज जरूर करेंगे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब कैसे? जैसे मदर, मदर का मतलब होता है माँ, लेकिन अगर द मदर की बात करेंगे तो इसका मतलब होगा कि जो मदर वाली जो फीलिंग होती है। सेम द फादर, यानी कि वहां पे क्या है? पितृत्व भाव, यानी जो पिता वाली जो फीलिंग है वो आपका द फादर होगा। अब हम लोग इस पे देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। क्वेश्चन दिया गया है फादर इन हिम वोक अप, पिता उसमें जाग गया। बिल्कुल गलत है, यहां पे कोई इसका लॉजिकल सेंस नहीं आ रहा है। यहां पे क्या होना चाहिए? द फादर इन हिम वोक अप, इसका मतलब क्या हुआ? उसमें पिता वाली फीलिंग आ गई। सेम अगला क्वेश्चन है मदर इन हर डेड नाउ, माता उसमें मर गई। बिल्कुल गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए? द मदर इन हर डेड नाउ, मतलब उसमें जो मातृत्व वाली जो फीलिंग है वो क्या है? खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है वॉरियर इन हिम रिवोल्टेड अगेंस्ट द टायरनी, तो यहां पे भी क्या होगा? जो योद्धा है, यानी कि क्या है योद्धा का मतलब, और यहां पे एक वर्ड आया है रिवोल्टेड और यहां पे एक वर्ड है टायरनी, तो रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह किया और इसका मतलब होता है जुल्म। यानी वॉरियर का मतलब यहां पे क्या है? उसमें जो विद्रोह करने वाली जो फीलिंग है, एक योद्धा का जो भाव है, तो यहां पे भी क्या होगा? दा का यूज करेंगे। ये क्वेश्चन SSC में पूछा गया है। इस पे क्वेश्चन दिया गया है बोथ ब्रदर एंड सिस्टर वर नॉट ऑन अ गुड टर्म विद ईच अदर, दे डिड नॉट लाइक टू सी ईच अदर, बट On the day of रक्षाबंधन the sister in her woke up, मतलब दो भाई बहन है, आपस में बिल्कुल भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते, लेकिन जब रक्षाबंधन का दिन आता है तो वहां पे अगर ये दिया होता sister in her woke up, बिल्कुल गलत होता, क्योंकि sister उसके अंदर woke up नहीं हो सकती, लेकिन जो बहन वाली जो feeling है वो रक्षाबंधन के दिन जाग जाती है, तो इसका मतलब क्या होगा? द सिस्टर होना चाहिए और आपके क्वेश्चन में दिया गया है। तो इस कॉन्सेप्ट से ये चीज समझ में आ गई कि कॉमन नाउन का यूज जब हम एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन करेंगे तो वहां पर हम द का यूज जरूर करेंगे। कॉमन नाउन से रिलेटेड जो अगला कॉन्सेप्ट ये है कि कॉमन नाउन के पहले अगर दा लगा है तो इस दा प्लस कॉमन नाउन जो फॉर्मेट है इसका यूज हम होल स्पेसीज के लिए करेंगे, पूरी जाति के लिए करेंगे। इस पे जो क्वेश्चन, हाँ, ए या एन का भी यूज किया जा सकता है, बस जो मेन चीज ये है कि दा प्लस कॉमन नाउन, जो ये नाउन होगा ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखा जाएगा।
ऑब्वियस सी बात है, अगर ये होल स्पीच के लिए किया जा रहा है, पूरी जाति के लिए किया जा रहा है और सिंगुलर फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो इस पर एक क्वेश्चन वर्ब से रिलेटेड भी बनेगा कि इसके साथ, इस पूरे फॉर्मेट के साथ वर्ब कैसी आएगी। तो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज करेंगे, तो हमें यह भी देखना है कि नाउन सिंगुलर फॉर्म में है या नहीं है और वर्ब सिंगुलर आई है कि नहीं। इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे क्वेश्चन दिया है द काउ इज अ पेट एनिमल, यहां पे काउ क्या है, एक कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन से पहले यहां पे द आर्टिकल का यूज किया गया है, काउज नहीं दिया गया, इसका मतलब ये सही है। अगर ये सिंगुलर है तो इसका मतलब कि आगे वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि कुछ गाय क्या है, वाइल्ड है, कुछ आपकी पेट है, यानी एक कॉमन बात बोली गई है कि जो काउ होता है वो एक पेट एनिमल होता है। तो बेसिक जो फोकस करने वाली चीज है कि नाउन सिंगुलर होना चाहिए, वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है द काउज आर, यहां पे बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पे एस नहीं आएगा, इसे प्लुरल नहीं बनाएंगे और इसके लिए प्लुरल वर्ब यूज नहीं करेंगे। इसकी जगह ए आई एन का भी यूज किया जा सकता है। अगर ये सेंटेंस दिया जाए कि काउ इज अ पेट एनिमल, तो ये भी बिल्कुल सही है कि जो गाय है वो एक पालतू जानवर है। यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, यहां पे एलिफेंट सिंगुलर फॉर्म में है और उसके लिए वर्ब भी सिंगुलर यूज की गई है, इसका मतलब ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन है द एलिफेंट्स आर वाइल्ड एनिमल, एलिफेंट्स यहां पे क्या है, कॉमन नाउन है और यहां पे द का यूज किया गया है जो बिल्कुल गलत। डियर एस्पिरेंट्स, अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। यहां पे मैन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जब हम आर्टिकल टॉपिक कर रहे होते हैं, तो वहां पे कॉन्सेप्ट होता है कि मैन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। लेकिन उस पे क्या होता है, कंडीशन होती है कि मैन का यूज हम दो तरह से करते हैं। एक मैन का मतलब जब इसके रियल सेंस में होता है, मतलब आदमी, तब ये आपका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होगा। अगर एक आदमी होगा तो मैन होगा, अगर एक से अधिक होंगे तो वहां पे उसका प्लूरल मैन बनेगा। लेकिन जब मैन का सेंस मैनकाइंड से होगा, ह्यूमन बीइंग से होगा, मानव जाति से होगा, तो इसे हम हमेशा सिंगुलर लिखेंगे, कभी भी मैन का मैन नहीं होगा। रीजन इज दैट क्योंकि मैनकाइंड, मानव जाति में आपका मेल भी होता है, फीमेल भी होता है, जिसकी वजह से मैनकाइंड के सेंस में मैन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, इसे हमेशा सिंगुलर बनाते। एक बार फिर से देखते हैं, मैन का यूज अगर उसके रियल सेंस में हो रहा है तो उसका हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों बनाएंगे, लेकिन जब इसका यूज मैनकाइंड में होगा तो फिर इसे हम हमेशा सिंगुलर लिखेंगे, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। मैन का यूज जब उसके रियल सेंस में होगा, अगर उस आदमी को डेफिनेट किया गया है, तो उसके पहले द का यूज भी किया जाएगा। अब इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझने वाले हैं। जैसे यहां पे आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे, दिया है द मैन इज मॉर्टल, द रीजन मेन ये है कि क्या ये मैन सही है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रीजन ये है कि यहां पे जो मैन है ये केवल मेल के लिए नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। इसका मतलब यहां पे ये किसके सेंस में आया है, मानव जाति। यहां पे दिया है कि मैन का यूज जब ह्यूमन बीइंग्स के सेंस में होगा तो किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसे सिंगुलर लिखेंगे और इसमें वर्ब भी हम सिंगुलर यूज करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है मेन आर द ओनली क्रिएचर दैट इंडोर्ड विद द पावर ऑफ स्पीक, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको क्या है, बोलने की शक्ति प्रदान की गई है, या मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो बोल सकता है। ऐसा तो नहीं कि पुरुष बोल सकते हैं महिलाएं नहीं बोल सकती है, बिल्कुल गलत है। यानी इस मेन का यूज यहां पे बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पे ह्यूमन बीइंग्स के सेंस में किया गया है। अगर ह्यूमन बीइंग्स के सेंस में होगा तो यहां पे मैन आएगा और उसके पहले अगर द आर्टिकल दिया होता तो गलत है, क्योंकि मैन का यूज यहां पे क्या है, ह्यूमन बीइंग्स के सेंस में है, तो ये सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए और इसके लिए आर्टिकल का यूज नहीं करते। अगला क्वेश्चन है ही इज द मैन हु स्लैप्ड मी, ये वही आदमी है, सॉरी हेल्प्ड मी, ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद किया। क्या यहां पे मैन का यूज ह्यूमन बीइंग से है, बिल्कुल नहीं है। यहां पे मैन का जो सेंस है इसके रियल सेंस से है आदमी, ये वही आदमी है जिसने मेरी मदद किया, इसका मतलब
क्या हुआ, मैन डेफिनेट हो गया, तो यहां पे इसके पहले द का यूज होना चाहिए और दिया गया है, बिल्कुल सही है सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीज आर द मैन हु लूटेड द शॉप, ये वही आदमी है, ये वही बंदे हैं जिन्होंने क्या किया, शॉप को लूटा है। प्लूरल है लेकिन डेफिनेट है, वो डेफिनेट बंदों की बात की जा रही है कि ये वही आदमी है जिन्होंने दुकान लूटी है, बिल्कुल सही है। अगर डेफिनेट है तो द आना चाहिए और वर्ब प्लूरल आनी चाहिए, यहां पे मैन का मेन भी होना चाहिए क्योंकि अपने रियल सेंस में है ना कि मैन काइंड के सेंस में, सही है सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैन इज अ सोशल एनिमल, अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है मनुष्य यानी केवल आदमी ही सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पे क्या है, महिलाएं भी सामाजिक हैं, तो इसका मतलब यहां पे जो मैन का जो सेंस है वो किसमें है, मानव जाति। अगर मैन का यूज मानव जाति के सेंस में है तो इसमें कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो एक बार कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप माइंड पे सेट कर लीजिए कि अगर मैन का यूज उसके रियल सेंस में हो रहा है तो ये सिंगुलर और प्लूरल अकॉर्डिंग टू सेंस बनेगा, लेकिन अगर मैन काइंड के सेंस में है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा और इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सो गाइज, ये थे सारे कॉन्सेप्ट्स आपके कॉमन नाउन से रिलेटेड। तब तक आप इन सब कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।